Hi, welcome again in my new video, SAP video series की third video. इस वीडियो में हम discuss करेंगे, हमने last video में देखा था, हमने company अपनी बनाई थी, उसको company code assign किया था and फिर हमने सबको एक दूसरे से link किया था. आज हम कुछ और important three course देखेंगे जो कि important है and one by one मैं आज चार three course फिर आपके साथ discuss करूँगा. तो मैं आपके साथ अपने Excel sheet शेयर करता हूँ क्या क्या चीज़ें आज इसकी क्लास में डिस्कस होने वाली है. तो आज हम देखेंगे ग्लोबल सेटिंग फॉर कंपनी. तो ग्लोबल सेटिंग फॉर कंपनी ये एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है एसएपी में. देखो यहाँ पे देखो आप अपनी कंपनी का फिजिकल ईयर बनाओगे यानी अपने फाइनेंशियल को आप डिफाइन करोगे एंड उसके बाद पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाओगे, डिफाइन ओपन क्लोज पोस्टिंग पीरियड, डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट. फील्ड स्टेटस वेरिएंट में होता है हम कंपल्सरी फील्ड को करेंगे कि जिसका अगर कोई एंट्री पोस्ट कर रहा है तो उसको वो फील्ड फिल करना है कंपल्सरी, अदरवाइज वो एंट्री पोस्ट नहीं होगी. असाइन फील्ड स्टेटस पर हम असाइन करेंगे, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनीज में, उनको डॉक्यूमेंट के टाइप्स को डिसाइड करना. पोस्टिंग की यहाँ से स्टार्ट होता है, डिफाइन नंबर एज फॉर डॉक्यूमेंट. हम डॉक्यूमेंट जो हम जैसे हम कोई भी एंट्री पोस्ट करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट बनता है, तो उसकी एक नंबर रेंज हम बनाएंगे. उस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट की नंबर रेंज क्या होगी, कंपनी कॉपी नंबर रेंज फ्रॉम वन फिजिकल ईयर टू अनदर, ये इंपॉर्टेंट है. कॉपी नंबर रेंज फ्रॉम वन कंपनी कोड टू अनदर, डिफाइन मल्टीपल करेंसीज, हम करेंसीज को डिफाइन करेंगे अगर हम एक से ज़्यादा करेंसी में मेंटेन करना चाहते हैं. मेंटेन ग्लोबल डाटा फॉर कंपनी कोड, डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप, डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय. ये टॉलरेंस ग्रुप क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉय को लिमिट देते हैं कि भाई तू 50,000 तक एंट्री पोस्ट कर सकता है, तो उससे ज़्यादा की एंट्री नहीं पोस्ट कर सकता. उससे ज़्यादा की एंट्री कौन पोस्ट कर सकता है, फिर उस पर्सन को हम ऑथोराइज करेंगे. अलग अलग पर्सन को अलग अलग एंट्रीज के लिए ऑथोराइजेशन देंगे, तो यहाँ पर टॉलरेंस ग्रुप हम बनाएंगे उसके लिए. एंड फिर हम एम्प्लॉयज को और यूजर वाइज हम टॉलरेंस अलाउ करेंगे. और नेक्स्ट मॉड्यूल जब आएगा हमारा मॉड्यूल जीएल सेटिंग, यहाँ पे आपका सारा कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड होगा, जिसमें आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट बनाओगे एंड कंपनी का चार्ट्स ऑफ अकाउंट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट आप कंपनी के बनाओगे. असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट, डिफाइन अकाउंट ग्रुप, डिफाइन रिटेन अर्निंग, इसका हम जीएल बनाएंगे. फिर हम पोस्टिंग करेंगे और फिर आपका ये सारा स्टोरी होल्डिंग डॉक्यूमेंट, रिकरिंग डॉक्यूमेंट, मतलब मान लो कि आपका रेंट हर एक मंथ से जाता है तो आप बार बार रेंट की पोस्टिंग करोगे, तो इसका हम टेम्पलेट बनाना सीखेंगे. होल्डिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसकी आप एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आप पार्क कर दोगे, आपका सीनियर उसको वेरीफाई करने का तो उसको पोस्ट कर देगा. जीएल अकाउंट अगर आपने बना रखा है उसको डिलीट करना चाहते हो, तो अगर मान लो आपकी कोई एंट्री गलत हो गई तो उसको रिवर्स कैसे करें एंट्री को, बिकॉज आप एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते हो, तो आप उसको रिवर्स कैसे कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय. तो आज की हमारी इस वीडियो में हम डिफाइन करते हैं डिफाइन फिजिकल ईयर. देखो फिजिकल ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपसे पूछा जा सकता है कि जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं तो इसमें टोटल 16 मंथ का पीरियड होता है. 12 मंथ जो हमारे होते हैं नॉर्मल पीरियड होते हैं और 4 मंथ हमारा स्पेशल पीरियड होता है. 4 मंथ स्पेशल पीरियड किस चीज़ के लिए होता है, सपोज मान लो अब लास्ट ईयर है, बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी 31 मार्च को क्लोज करनी है, बट आफ्टर डैट भी होता है कि कुछ एंट्रीज लास्ट ईयर की रह जाती है, तो उसको पोस्टिंग करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा हमने 4 मंथ का हमने पीरियड बना रखा है, जिसमें आप लास्ट ईयर की आप एंट्री को पोस्ट कर सकते हो. हाँ, उस 4 मंथ के ओवर होने के बाद आप एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते हो, तो 12 हमारा नॉर्मल पीरियड होता है और 4 हमारा स्पेशल पीरियड होता है. तो हम डिफाइन करते हैं डिफाइन फिजिकल ईयर. तो डिफाइन फिजिकल ईयर के लिए देखो आप स्पैरो करके भी आप जा सकते हो और OB29 से भी जा सकते हो. तो जस्ट मैं OB29 प्रेस करता हूँ. ये हमारा आ चुका है. यहाँ पे देखो बहुत सारी कंपनी है उसका इन्होंने फिजिकल ईयर वेरिएंट बना रखा है, ईयर डिपेंडेंट कैलेंडर है या नहीं है, तो ये सारे बने हुए हैं ऑलरेडी, बट हम अपनी कंपनी का अलग से बनाएंगे. तो हमें आप पोजीशन में देखते हैं, अगर किसी ने एन के नाम से नहीं बना रखा हो, एन ऑलरेडी बन रखा है, AN U करके देखते हैं, AU बन रखा है यानी हमें अल्फाबेट AUAN
दो ही वर्ड्स का बन सकता है, उससे ज्यादा का बन नहीं सकता। अगर मैं इसको डबल वन करके देखूं, डबल वन भी है तो चलो वन जेड करके देख लेते हैं। यार याद रखना हमने क्या बनाया था, वन जेड भी है। क्या बनाओ हम, डबल ए करके देख लो यार, डबल ए क्या, डबल ए डबल बी ए आर ए टी ए वन। डब्लू ए करके देखो यार, कुछ तो मिल जाए जो ना बनाओ कुछ भी बैलेंस नहीं है यार। चलो डब्ल्यू एक्स नहीं है, एक्स डब्ल्यू है लेकिन डब्ल्यू एक्स नहीं, तो हम डब्ल्यू एक्स बनाते हैं अपनी कंपनी का। याद रखना है जो हम वेरिएंट बना रहे हैं आगे इसको असाइन करना होगा डब्ल्यू एक्स। तो हम देख सकते हैं हमें न्यू एंट्री पोस्ट करना होगा। न्यू एंट्री हम पोस्ट किया हमने, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना कंपनी का नाम देना है जो आप कोड बना रहे हो, टू डिजिट का ही होता है ओके। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दो, हम क्या बना रहे हैं 12 नॉर्मल मंथ बना रहे हैं, नॉर्मल पीरियड एंड फोर स्पेस, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे बिकॉज ईएल डिपेंडेंसी बन जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ, देखो पीरियड पूछ रहा है हमसे नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड्स, तो हमारी पोस्टिंग पीरियड्स कितनी होगी 12, और नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड कितना होगा हमारा 4 ओके। अब हम इसको हम सेव कर देंगे, इसने डाटा सेव ले लिया है। अब हमें क्या बनाना है, इसके अंदर मंथ्स को डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है एंड अब मैं पीरियड्स पे क्लिक करूँगा। तो अब देखो यहाँ पे मंथ डे पीरियड ईयर शिफ्ट ये सब कुछ आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे एक न्यू पोस्टिंग हमें करना पड़ेगा बिकॉज अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है। अब न्यू पोस्टिंग आ चुका है, अब आपको मंथ वाइज डिफाइन करना है। तो हम फाइनेंशियल को लेके चलते हैं, तो हमारा मंथ कौन सा है, मंथ हमारा 4 हो चुका होगा, फर्स्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब देखो अप्रैल कितने का होता है, 30 डेज का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब के बाद मार्च, ठीक है। अब हमारा पीरियड कौन सा होगा, हमारा फर्स्ट पीरियड होगा ये तो, बिकॉज फोर्थ मंथ है लेकिन हमारा पीरियड तो फर्स्ट है, हमारे लिए फाइनेंशियल वाइज अगर आप देखो तो फर्स्ट मंथ हो गया आपके लिए। तो और ये हो गया आपका 12 मंथ, अच्छा। और यहाँ पे देखो एक चीज इम्पोर्टेंट, जब आपकी मंथ सेम ईयर में फॉल कर रही होगी तो आप 0 दोगे उसके लिए, ठीक है। जब भी आपके मंथ सेम ईयर में फॉल कर रही है तो आपको 0 देना है। एंड जब आपके डिफरेंट, अब देखो ये जो हमारा है ये जैन कहाँ चला जाता है 2021 में, तो इसके लिए हमें -1 देना पड़ेगा ओके। बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर में फॉल कर रही है तो इसको -1 देंगे हम इस ईयर में लेके आएंगे। तो इस तरीके से हमने डिफाइन किया, आप चीज़ों को देख लो, पॉज करके भी आप देख सकते हो। अब मैं इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये मेरा डाटा सेव हो चुका है। तो हमने क्या देख लिया, हमने अपनी फाइनेंशियल ईयर्स को हमने ड्राफ्ट कर लिया, इसको बना लिया है, हमारा कोड डब्ल्यू एक्स है, कोड याद करना। अब हम असाइन कर देंगे कंपनी कोड को, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे उसको हम कंपनी कोड के साथ हम लिंक करेंगे तभी उसकी ट्रांजेक्शन की वैलिडिटी रहेगी। तो हमें OB37 करके जाना है एंड इसको लिंक करना है।
तो मैंने आपको बताया था मेन मिनिमम बैग जेनेट का हमें एन करना पड़ता है, और हमें OB37 हम इसके साथ ही कर लेंगे, बिकॉज पहले बैग जाए और फिर जाए, इसलिए हम डायरेक्ट हम ऐसा कर सकते हैं अपने टाइम को सेव करने के लिए। यहाँ पे आपको पोजीशन पे क्लिक करके आपको अपनी कंपनी कोड हमने क्या बनाया था AN, यहाँ पे मैंने सर्च किया आ चुका है। अब यहाँ पे हम अपने फिजिकल ईयर वेरियंट जो हमने बनाया है WX को इंसर्ट करके हम सेव कर देंगे, ये डाटा सेव हो चुका है। डाटा हमारा सेव हो गया, हमने फिजिकल ईयर को हमने डिफाइन करके हमने कंपनी को अलाउ कर दिया। अब करेंगे हम डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्यों बनाना पड़ता है, बिकॉज आपको अपनी ट्रांजेक्शन को पोस्टिंग करनी है, तो SAP A5 पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज यूज टू मेंटेन अकाउंटिंग पीरियड्स दैट आर ओपन फॉर पोस्टिंग एंड ऑल क्लोज पीरियड आर बैलेंस। दिस इज यूज फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पीरियड इन ए फिजिकल ईयर फॉर पोस्टिंग पर्पज। यू कैन असाइन दिस पोस्टिंग पीरियड टू वन और मोर कंपनी कोड, मतलब आप एक आपने जो पोस्टिंग पीरियड बना रखा है वो आप एक से ज़्यादा कंपनी को भी आप असाइन कर सकते हो। तो हमें इसको पोस्टिंग पीरियड को हमें डिफाइन करना है। अब हम चलते हैं NOBPO। तो यहाँ पे आपको एक जनरल से आपको पोस्टिंग एंट्री भरना है न्यू एंट्री करके, एंड आपको वेरिएंट क्या बनाना है अपने कंपनी के नाम से, या बना लो अनु, यहाँ पे आप लिख दो पोस्टिंग पीरियड फॉर अनलिमिटेड, एंड बस आप इसको सेव कर दो। ये आपका पोस्टिंग पीरियड बन चुका है, साइन पोस्टिंग पीरियड। अब देखो आपको फिर से साइन करना पड़ेगा, तो OBVP करना पड़ेगा इस बार आपको साइन करने के लिए, /N OBVP, एंड यहाँ पे जाओ, फिर आप सर्च करो अपनी कंपनी को अनु, यहाँ आ चुका है, एंड यहाँ वेरिएंट पे जाओ, और वेरिएंट में हमने अनु बना रखा है, अनु क्लिक किया हमने एंड हमने सेव कर दिया। तो ये ट्रांजेक्शन भी हमारी सेव हो चुकी है, ठीक है। अब डिफाइन ओपन क्लोज पोस्टिंग पीरियड, ये सारा कॉन्सेप्ट हम कल देखेंगे, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, और ज़्यादा कुछ एक दिन में बताऊँगा तो हो सकता है बाउंस करने लगे, तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोज बना रहा हूँ। होप तो आपको आज की सारी कंपोनेंट समझ में आई होगी, एंड अगर आप इन सब चीज़ के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आप जैसे डिफाइन फिजिकल ईयर है, तो जस्ट आप इस आप मैंने इसको कॉपी कर लिया, एंड मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप इस पे जा सकते हो, ऐसे में गया, एंड यहाँ पे आप जाओ, एक न्यू टैब खोल लो, आप आर्टिकल्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इसको मैंने पेस्ट किया, और देखो यहाँ पे इन SAP मैंने ऑलरेडी बहुत बार इन सब चीज़ों को इन डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश की है, बिकॉज प्रैक्टिकली आपको कोई बताएगा नहीं इन डिटेल्स, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पे इससे रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल्स आर्टिकल्स आपको लिखे होंगे, तो आप उन पर आप क्लिक करो, एंड आपको सब कुछ बताएंगे। आप जस्ट एक बार ओपन होने दो, बस स्लो क्यों ओपन हो रहा है, यहाँ पे देखो ये हमारे पास ओपन हो गया, व्हाट इज फिजिकल ईयर इन SAP। अब देखो इसको इसने डिफाइन किया है, इंडियन कंपनीज फॉलो फिजिकल ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च विद 12 नॉर्मल पीरियड एंड 4 स्पेशल पीरियड, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ईयर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कैलेंडर ईयर, ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है आपके लिए, तो आप चीज़ों का यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पे इसका पाथ भी देना चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने टी कोड दे दिया, OB29 आपको करना है, एंड OB29 हमने भी किया है। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे देखो डिफाइन कंपनी SAP, जैसे कल हमने क्लासेस की थी कंपनी को डिफाइन करने के बारे में, तो आप उससे रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पढ़ सकते हो, सारे पाथ को देख सकते हो, ट्यूटोरियल्स भी इन्होंने पिक्चरिकल प्रेजेंटेशन भी दे रखा है, तो आप उन सारे चीज़ों को भी आप देख सकते हो। देख सर जो कुछ हमने किया है यहाँ पे आपको दिखेगा इन पेपर फॉर्म में, तो आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो इनसे सारी चीज़ों को। तो होप सो मेरी वीडियो ने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड ऑन किया होगा,
प्लीज आप इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर आपके अंदर कुछ वैल्यू एड ऑन हो रहा है मेरी वीडियो से। थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।